चाहे कोई भी स्पेशल ओकेजन हो या कोई स्पेशल स्टूडेंट हो, ये रूल ब्रेक नहीं हो सकता। सो ज़ोन मेहंदी नहीं लगा सकती है, बस। यार टीम भी मींस स्कूल बन जाएगा इंदु। रितेश, तुम्हारे लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन मायने नहीं रखते होंगे, लेकिन मेरे लिए ही मायने रखते हैं। और देखो, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है तुमसे लड़ने का, सो प्लीज स्टॉप इट। मैंने कहा ज़ोन मेहंदी नहीं लगाएगी मतलब नहीं लगाएगी, दैट्स फाइन। ओके, आई एम सॉरी। पता नहीं इस ड्राइविंग लाइसेंस को क्या मजा आ रहा है बच्ची का मूड खराब करके, एक ये और एक वो वाइस प्रिंसिपल। सुप्रभात। वाइस प्रिंसिपल कम हिंदी टीचर, उन्हें तो मैं जानता हूँ, मैं मिल चुका हूँ। ज़ोन बेटा, मेहंदी तो आपको लगेगी, आई प्रॉमिस। एक मिनट इंदु, अरे वाह, पर तूने पूरी मेहंदी क्यों नहीं लगाई? वो एक्चुअली मौज में मेहंदी लगवा ही रही थी, लेकिन अचानक से अंजलि मुझे डांस के लिए खींच के लेके गई। उसके बाद ज़ून और रितेश, छोड़ो ना मौज, मैं बाद में मेहंदी लगवा लूंगी। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हो? बड़े अरसे बाद इस घर में खुशियां आई हैं। शंकराचार्य जी करें इन खुशियों को किसी की नजर ना लगे। मौज, सब ठीक होगा, आप बस फिक्र करना छोड़ दो और खुश रहो। अच्छा ठीक है, तू जल्दी से पूरी मेहंदी लगा ले, मैं मेहमानों को देख लेती हूँ। ठीक है। ये ड्रामा कंपनी दरवाजे पे किसका इंतजार कर रहा है? पता नहीं अब क्या नया ड्रामा करेगा ये। अरे आशा दी, आप आइए मेहंदी लगवाइए। अरे डिम्पल बेटा, इसे मेहंदी लगाने कह रही हो तुम? ये मेहंदी नहीं लगा सकती, विधवा है ये। इंदु, आशा को तेरी मदद की जरूरत है। क्या हुआ? एक बार आना। इस ड्रामा कंपनी को तो मैं बाद में देखती हूँ। आशा, तुम्हें आशा तो बहुत होगी फिर से अपने हाथों में मेहंदी लगवाने की, लेकिन हमारे समाज के कुछ नियम कायदे हैं, अगर उनका उल्लंघन करोगी ना तो घोर पाप लगेगा। इसलिए आशा, मेहंदी लगवाने की आशा छोड़ दो। आशा, ये देख कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। अरे वाह इंदु, तेरी मेहंदी तो बहुत खूबसूरत लग रही है, पर तेरे हाथों में मेहंदी नजर नहीं आ रही, क्यों? मेरी मेहंदी? इंदु, मैं मेहंदी कैसे लगवा सकती हूँ? क्यों नहीं लगवा सकती? तू तो मेरी इकलौती भाभी है और बेस्ट फ्रेंड भी, और अगर मेरे मेहंदी फंक्शन में तू मेहंदी नहीं लगाएगी तो मेरा फंक्शन पूरा कैसे होगा? इंदु प्लीज, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आज नहीं। आशा, यहाँ सब खुशी से मेहंदी लगा रहे हैं। तू खुश नहीं है मेरी शादी से? पागल है क्या, मैं तो बहुत खुश हूँ तेरी शादी से। तो फिर तू मेहंदी क्यों नहीं लगवा रही? आशा, भैया नहीं रहे तो खुशियों में खुश होना बंद कर देगी, सेलिब्रेट करना छोड़ देगी। वो चले गए पर तेरी तो जिंदगी है ना, तुझे पूरा हक है खुश रहने का, वो सब करने का जो तेरा मन करता है। और मैं जानती हूँ मेहंदी लगाना तुझे बहुत पसंद है, तो आज मेरी मेहंदी फंक्शन में मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी भाभी मेहंदी तो जरूर लगवाएगी। चल मेरे साथ। इंदु, आशा चल। इंदु बेटा, तेरे ज़ून की टीचर को मेहंदी फंक्शन के लिए बुलाया है क्या? नहीं तो वो यहाँ आई है क्या? हाँ, दरवाजे पर खड़ी है रितेश के साथ। वेलकम मैडम वाइस प्रिंसिपल। आपने पहचाना मुझे? मैं आपके स्कूल आया था। कैसी बातें कर रहे रितेश जी, अवश्य मैंने आपको पहचाना है, आपको कैसे भूल सकते हैं। बल्कि उस दिन के बाद से तो आपकी छवि पूर्ण रूप से हमारे मस्तिष्क में छप गई है। मैं आज भी हिंदी डिक्शनरी लाया नहीं। आई एम सॉरी, मैं मंगवा लूंगा। एक मिनट राहुल। हाँ भाई वाइस प्रिंसिपल मैडम। ओह हाय, चाय कॉफी ठंडा समथिंग। वेलकम वेलकम मैडम, आइए ना मैम प्लीज। रितेश ये सब क्या हो रहा है? ज़ून की वाइस प्रिंसिपल मैम यहाँ क्या कर रही है? तुमने कहा ना कि वो ज़ून को मेहंदी लगाने से रोक रही है, तो मैंने उनको यहीं बुला लिया। अब क्या कोई हल्का फुल्का रूल्स को बेंड करना चाहे तो कर सकता है, बस मन में इच्छा पूर्ण रूप से शुद्ध होनी चाहिए। दी, मास्टर जी आपका हल्दी का लहंगा लेकर आए हैं, चलो आप ट्राई कर लो, कुछ भी ऑल्ट्रेशन रहेगा तो अभी क्या भी हो जाएगा। अंजू मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, मैं बाद में कर लेती हूँ, अभी है। अब आप समझ गए ना, मैं जो भी बोलूँ उसमें बस आप हाँ में हाँ मिलाते जाना। ओके पर आप ऐसे क्या बोलोगे? वो मैं बाद में बताऊंगा। ओके चलो चलो कम। सही कह रही है, हमारे यहाँ भी ऐसी परिस्थितियाँ लगी रहती है। एक्सक्यूज मी मैम, 2 मिनट जरा वाइस प्रिंसिपल मैम से बात करनी थी। ज़ून गुड इवनिंग बोलो। गुड इवनिंग मैम। शुभ संध्या ज़ून, तुम्हें पता है तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो अपनी माँ की शादी सशक्त देख रही हो, बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है। बहुत खास मौका है मैम। खास तो है, बहुत खास है। और इसे खास मौके का हर पल एंजॉय करना चाहिए ना मैम। कहाँ ऐसा मौका दोबारा आएगा। आज ज़ून की मौज की मेहंदी है, शादी होने वाली है और कोई मेहंदी लगा रहा है। अब ज़ून का भी मन कर रहा है मेहंदी लगाने का। प्लीज पर मैम स्कूल का तो रूल है ना कि स्टूडेंट्स मेहंदी नहीं लगा सकते, तो ज़ून कैसे लगा पाएगी? अब अपनी पसंद के लिए हम रूल्स थोड़ी ना तोड़ सकते हैं। रूल्स तो हमारी कन्वीनियंस के लिए होते हैं ना मैम। अब ऐसे रूल्स का क्या फायदा मैम जो हमें सिर्फ दुख दे। मैम अब फायदा नुकसान देखकर रूल्स बनने लगे तो चल चुकी दुनिया को जैसे चलना चलने दीजिए मैम, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमें बस वो रूल्स फॉलो नहीं करने जो हमें तकलीफ दें, जिन्हें हमें रो कर फॉलो करना पड़े। मैम रूल्स तो हर किसी को रुलाते हैं ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम सारे रूल तोड़ते चले। रूल्स तो फॉलो करने के लिए होता है ना मैम। करेक्ट, और जिन्होंने रूल्स बनाए हैं वही हमें कहेंगे कि हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए या नहीं। मैम अब आप ही बताइए, इतना स्पेशल ओकेजन है, मेहंदी का दिन है, ज़ून का भी इतना मन है मेहंदी लगाने का, तो ज़ून की खुशी के लिए हम रूल्स को थोड़ा बेंड नहीं कर सकते? थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगेगी, बच्ची खुश हो जाएगी। देखिए कितनी मायूसी खड़ी है ना ज़ून। हाँ मैम। देखिए हम आपकी स्थिति समझ रहे हैं, लेकिन विद्यालय में सभी बच्चों के लिए नियम बराबर है, इसीलिए ज़ून मेहंदी नहीं लगा पाएगी। मैम नाश्ता तैयार है, आइए। ज़ून बेटा तुम भी नाश्ता कर लो, आओ आओ बेटा। जाओ बेटा आओ, आइए। मिस्टर रितेश मल्होत्रा, तुम्हारा नाम और ये चाम हर जगह काम नहीं आने वाला। मैं भी अपनी बेटी की खुशी चाहती हूँ, लेकिन रूल्स तोड़कर नहीं। तुम नहीं सुधरोगे। चाहे जो हो जाए, ज़ून को तो मैं मेहंदी लगवा के रहूँ।